dream big and work hard. Hello dear students, so in this class we will be critically evaluating the theory of division of labor given by French scholar Emile Durkheim. The division of labor in society 1893 में उनका पीएचडी का थीसिस है, इस पर उन्होंने डॉक्टरेट किया और इस बुक में उन्होंने अपने अध्ययन द्वारा यह बताने का प्रयास किया कि सोसाइटी सरलता से जटिलता की तरफ कैसे अग्रसर होती है और किस तरह से श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है और उसकी वजह से समाज में किस प्रकार से बदलाव आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपने पूर्ववर्ती क्लासेस में डिवीजन ऑफ लेबर को विस्तृत रूप से हमने डिस्कस किया और अभी हम ये देखेंगे कि विद्वानों ने डिवीजन ऑफ लेबर का जो सिद्धांत है या श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है उसमें क्या कमियां पाई, क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसको हम देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि उनका दी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी बुक में जो उन्होंने सिद्धांत दिया है वो पूरी तरह से कमियों से रहित नहीं है, उसमें कई कमियां हैं। ओके, वो ये कहते हैं कि एक तो वो सोशियोलॉजी को एकदम साइंटिफिक बनाना चाहते हैं, साइंटिफिक मेथड लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी है वो एक सोशल साइंस है और पूरी तरह से वो साइंटिफिक नहीं हो सकता है। ओके, तो इसका क्रिटिसिज्म देखने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि श्रम विभाजन के कौन, मतलब असामान्य स्वरूप क्या है, श्रम विभाजन के असामान्य रूप क्या है, एबनॉर्मल फॉर्म्स कौन सी है श्रम विभाजन की। अर्थात जब वे समाज में श्रम विभाजन की बात करते हैं तो यह भी देखने का प्रयास करते हैं कि श्रम विभाजन के असामान्य रूप कौन से हैं, अर्थात श्रम विभाजन हमेशा ही सामान्य या बढ़िया नहीं होता है, कुछ उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो इस संदर्भ में वे बताते हैं कि एक तो आदर्शहीन श्रम विभाजन की वो बात करते हैं। आदर्शहीन श्रम विभाजन का उनका तात्पर्य है कि श्रम का बंटवारा है वो आदर्श नहीं है, आइडियल नहीं है। कैसे, जैसे इमाइल दुर्खाइम कहते हैं कि पहले विज्ञान एक जो विज्ञान है वो एक अपने आप में संपूर्ण विषय था और वो एकीकृत रूप से रिसर्च करता था, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर होने से साइंस के अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो गए, अलग अलग उसके हिस्से हो गए। इससे क्या हुआ कि साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्च में एक रूपता नहीं रही और वो भिन्न भिन्न रूप से रिसर्च करने लगे। या फिर आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, मानव स्वास्थ्य है वो अपने आप में क्या है, होलिस्टिक है, हेल्थ हमारी, लेकिन साइंस ने क्या किया है कि मानव स्वास्थ्य से संबंधित जो मेडिकल प्रैक्टिसेस है उनको भिन्न भिन्न भागों में बांट दिया। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित आपको समस्या है तो आप इससे संबंधित डॉक्टर को दिखाएंगे, तो या फिर हड्डियों से संबंधित समस्या है तो आप एक ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएंगे। लेकिन मानव का शरीर है वो तो अपने आप में पूर्ण है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से प्रभावित होता है, तो उसकी होलिस्टिक हेल्थ की बात होनी चाहिए। अर्थात शरीर को हम इस रूप में देखें कि वो समस्याएं हैं वो अंतर संबंधित है और उसका पूर्णता में इलाज किया जाए। इसी प्रकार वो कहते हैं कि सभी साइंसेस हैं वो अलग अलग ब्रांचेस में बंट गई और इससे रिसर्च है वो पूरी तरह से, एक एग्जाम्पल दिया है, वो संपूर्ण नहीं हो पाता है, रूट तक नहीं जा पाता है, वो उद्देश्य के उनमें सामंजस्य नहीं है, वो ये भी कहते हैं। क्योंकि देखिए द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में वो यही तो कहते हैं कि मैकेनिकल या यांत्रिक एकता आधारित समाज है, उसमें तो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेती है कम्युनिटी। तात्पर्य ये हुआ कि वो आत्मनिर्भर है अपने आप में, लेकिन जटिल समाजों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ गई है। वो इसलिए बढ़ गई है क्योंकि एक जगह सारे काम नहीं हो रहे, स्पेशलाइजेशन हो रहे हैं। उसी को वो कहते हैं कि आइडललेस डिवीजन ऑफ लेबर एक तो हो गया है, दूसरा उन्होंने बताया कि फोर्स्ड या जिसे हम कहें जबरदस्ती से किसी श्रम को किसी व्यक्ति द्वारा करवाना,
अर्थात इंडस्ट्रियल समाजों में व्यक्ति को अपनी पसंद का व्यवसाय नहीं मिलता है, अपनी पसंद का काम वो नहीं कर पाता है, अपनी रुचि के अनुसार उसको कार्य नहीं मिलता और उसको बाध्य कर दिया जाता है कि क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो जो काम मिलेगा उसे वही करना होता है, तो उसको वो फोर्स डिविजन ऑफ लेबर कहते हैं। वो बात करते हैं आइडलनेस डिविजन ऑफ लेबर एंड फोर्स डिविजन ऑफ लेबर। अब हम ये बात करते हैं कि इनका जो डिविजन ऑफ लेबर की अवधारणा है उसकी क्या कमियां है। तो जो सोशल साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसकी कुछ कमियां बताई है और वो ये कहते हैं कि इमाइल दुर्खाइन द्वारा दी गई अवधारणाएं बहुत ही अस्पष्ट है। वे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वे बात करते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की तरफ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब सरल समाजों में क्या होती है, सामूहिक चेतना होती है, मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है। तो समाज कैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहा है या व्यक्तिवादिता की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए बच्चों, क्या हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इंडिविजुअल और कलेक्टिव में? इंडिविजुअल से ही तो बनके कलेक्टिव बनता है ना। और कहीं ना कहीं देखिए, जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो वो मनोविज्ञान का विषय हो जाता है, साइकोलॉजी का। इसलिए सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि उनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो अस्पष्ट है। और फिर वो बात करते हैं कि प्रकार की एकता की बात करते हैं वो, तो ये उन्होंने ठीक से डिफाइन नहीं किया, ऐसा स्कॉलर्स कहते हैं। फिर वो अन्य स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि इमाइल दुर्खाइन की मैथोलॉजी है वो भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने प्योर साइंस से प्रभावित होकर और उनकी टर्मिनोलॉजी और साइंटिफिक मेथड को सोशियोलॉजी में उपयोग में लेना चाहा, लेकिन समाज को समझने में हमेशा ही वैज्ञानिक पद्धति सहायक नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य है वो एक चेतनशील प्राणी है और सोसाइटी है वो एवर चेंजिंग है, इसलिए साइंटिफिक मेथड से इसकी आप स्टडी नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं कि उनका जो दृष्टिकोण है फॉल्टी पर्सपेक्टिव है उनका, क्योंकि वो इंडिविजुअल को महत्वपूर्ण नहीं मानते, वो सोसाइटी को महत्वपूर्ण मानते हैं, सोसाइटी को बहुत पावरफुल मानते हैं और इंडिविजुअल के बिहेवियर पर वो ये कहते हैं कि सोसाइटी है वो दबाव डालती है, कोएर्सिव है सोसाइटी, और इंडिविजुअल से बाहर है समाज, इंडिविजुअल से मतलब सुपर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पर वो पावर एक्सरसाइज करती है सोसाइटी, इंडिविजुअल वही व्यवहार करता है जिससे जो सामाजिक दृष्टि से अप्रूव्ड हो, अगर वो नहीं करेगा तो समाज उसको स्वीकृति नहीं देगा। लेकिन सोशल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इंडिविजुअल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा है कि बहुत सारे सामाजिक बदलाव का नेतृत्व है वो इंडिविजुअल्स ने किया है, इलीट्स ने किया है, कुलीन लोगों ने किया है, थिंकर्स ने किया है। भारत की आजादी में या फिर सामाजिक सुधार करने में कौन कौन से समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आप ये देखिए, एंटी करप्शन का जो मूवमेंट है वो अन्ना हजारे ने चलाया, बाल विवाह के विरुद्ध राजा राम मोहन राय के प्रयास या ईश्वरचंद विद्यासागर का प्रयास, इसी तरह सती प्रथा को रोकने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाइल्ड मैरिज के लिए आप कैलाश सत्यार्थी का नाम ले सकते हैं जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। तो इंडिविजुअल से वो भी समाज को बदल सकते हैं, इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि उन्होंने इंडिविजुअल को नकार दिया है जो कि सही नहीं है। सो आपका ये हमने डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी का जो सिद्धांत है उसमें जो कमियां हैं या फिर एबनॉर्मल क्या फॉर्म्स हैं डिवीजन ऑफ लेबर की, ये समझने का हमने प्रयास किया। सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास में।